हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कपड़े से तोता बनाना बताएंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए सुकेरा आकार में एक ग्रीन कलर का कपड़ा ले लिया है। तो इसका साइज़ 7-7 इंच है दोनों तरफ से। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक रेड कलर का कपड़ा भी लिया है, ये हमारा 2.5-2.5 इंच है। अब इसके बाद हम एक कपड़ा और लेंगे रेड कलर का ही। तो ये देखिए हमने 6.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 2 इंच के करीब है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इसको हम बीच से अलग कर देते हैं और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये हम बैक साइड रखेंगे और वो हम आगे की तरफ रखेंगे। तो आगे की तरफ हम थोड़ा सा कम रखेंगे, एक सूत ही। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हम इसे रिमूव कर लेंगे और इसके कॉर्नर को अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेंगे टूल की सहायता से। तो ये देखिए ये हमारी इस तरीके से पीछे की पूंछ बनेगी। तो अब इस कपड़े को हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे फोल्ड। और इसके एक कॉर्नर में हम ये रेड वाला कपड़ा लेंगे, इसको भी हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। और हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया और एक बार और फोल्ड करेंगे इसको। और इसको आगे की तरफ हम कॉर्नर में इस तरीके से लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर हल्की सी गोलाई में शेप देनी है इस तरीके से। तो इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेते हैं और थोड़ी जगह हम यहाँ पर ओपन रखेंगे इसमें एक्स्ट्रा जो कतरक है वो भरने के लिए। और इसके एक कॉर्नर में पीछे की साइड हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर भी हल्का सा कट कर देंगे। अब इसको हम रिमूव करेंगे। आप देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको कॉर्नर को, पूंछ को और चोंच को निकाल लिया है। अब इसके बाद हम ये फोम लेंगे। तो इसको हम कट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे कट कर लेंगे और इसके अंदर हम भर देंगे। अगर आपके पास कॉटन है या वेस्ट कपड़ा भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और फाइबर वाली रुई आपको जो अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब मेरे पास यहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं था, तो ये फोम पड़ी थी यही इसके अंदर मैंने काट कर डाल दी है। तो इसी तरीके से आपको भी अच्छे तरीके से इसमें भर लेना है। बराबर बराबर इसको अच्छे तरीके से सेट कर देंगे और अब इसको हम इस तरीके से सुई और धागे से सील देंगे, जो खुला हुआ हिस्सा है हमारा वो। तो ये देखिए ये हमारा तोता बन चुका है। अब इसके बाद हम आगे की साइड इसमें आइज़ और बनाएंगे। तो इसके लिए आप सुई और धागा ले, उसमें ब्लैक कलर का धागा हमने डाल लिया है 4 फोल्ड करके। अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से निकालेंगे और गोलाई में हम इस यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। आप अगर आपके पास ब्लैक कलर के मोती हैं तो आप वो लगा सकते हैं। तो ये हमारी दोनों तरफ इसी तरीके से हो जाएंगी। हमारी साइड हरियाणा में जब भी हम नया मकान बनाते हैं तो उसके द्वार पर ये तोते बनाकर लगाए जाते हैं, तो ये शुभ होता है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब इसके बाद हम सुई में अलग कलर का धागा लेंगे जो थोड़ा मजबूत होगा, वो ऊपर की तरफ हमारे द्वार पर इस तरीके से बांधने के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गांठ लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा तोता बन गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके यहाँ भी इस तरीके के तोते बनाकर लगाए जाते हैं द्वार पर।